ऐसे जानवर जो 2025 तक विलुप्त हो जाएंगे। नंबर वन पर है ये गोलू मोलू पैंडास। जी हाँ दोस्तों, ये पैंडास 2025 तक विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि IUCN की रिपोर्ट के मुताबिक 27,000 पैंडा की स्पीशीज विलुप्त होने की कगार पर हैं। बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से 2025 तक ये पैंडास पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। नंबर टू पर है एलिफेंट। दोस्तों हर साल कम से कम 20,000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि उनके जो ये दांत होते हैं उनकी ब्लैक मार्केट में कीमत लाखों से करोड़ों में होती है, और हैबिटेट लॉस, इलीगल ट्रेड जैसे कारणों की वजह से इनकी मात्रा और भी बढ़ गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2025 तक एलिफेंट्स भी इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। नंबर तीन पर है बाघ। बाघ के लगातार कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों के द्वारा इनका शिकार किया जाना। बाघों का शिकार करना एक खेल समझ लिया गया है। इनकी जनसंख्या इतनी तेजी से कम हो रही है कि माना जाता है कि पूरी दुनिया में अब सिर्फ 3,890 बाघ ही बचे हैं, और अगर इनका शिकार ऐसे ही किया गया तो शायद ही 2025 तक ये बच पाएंगे।